मालदीव से इंस्पायर होके अब बांग्लादेश में भी इंडिया आउट के कैंपेन चल रहे हैं। In Bangladesh, a new campaign is brewing. New for Bangladesh, but not really for the neighborhood. It's India out. जो कि बांग्लादेश की नेशनल पार्टी यानी कि BNP के थ्रू ये कैंपेन रन किया जा रहा है और ये कैंपेन स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू रन किया जा रहा है और यह एक तरह से एंटी इंडिया सेंटीमेंटल को ट्रिगर कर रहा है और जितने भी इंडिया के आसपास के पड़ोसी देश हैं उन सभी में ये जो सेंटीमेंटल है वो ट्रिगर हो रहे हैं। जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया, अब इन सभी जहाँ पे कहीं ना कहीं एंटी इंडिया के सेंटीमेंटल ट्रिगर कर रहे हैं और उनके अपोजिट गवर्नमेंट पार्टी के थ्रू ये कैंपेन रन किए जा रहे हैं। ये कैंपेन स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पोस्टर और स्लोगन के थ्रू रन किए जा रहे हैं और जो भी पार्टी ये कैंपेन रन कर रही है उनका लिंक कहीं ना कहीं चाइना से या पाकिस्तान से लिंक है। जब इंडिया आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ था तब जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश था और बाद में जाके ईस्ट पाकिस्तान कन्वर्ट हो गया बांग्लादेश में, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग बंगाली बोलते थे ना कि उर्दू, जबकि पाकिस्तान में मैक्सिमम लोग उर्दू बोलते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में मतभेद शुरू हो गए और उनको अलग होना पड़ा। और 2011 के इंटरव्यू में मनमोहन सिंह ने कहा था कि बांग्लादेश में अराउंड 25% पॉपुलेशन ऐसी है जिनके अंदर एंटी इंडिया का सेंटीमेंटल चल रहा है और बांग्लादेश में जो सेंटीमेंटल है इलेक्शन के बाद स्टार्ट हुआ है, जहां पे इंडिया के जितने ही प्रोडक्ट है उनको बैन करने की मांग की जा रही है, यानी कि बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट की मांग की जा रही है। और बांग्लादेश में BNP पार्टी का मानना है कि जितने भी इलेक्शन हुए बांग्लादेश में उन इलेक्शन में इंडियन गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस है और जितने भी इंडिया आउट और बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट की कैंपेन चल रहे हैं ये इन्फ्लुएंस है चाइना से और पाकिस्तान से। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि चाइना चाहता है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सबकी बिगाड़ के रखे भारत से, ताकि उनका रोड बेल्ट इनिशिएटिव जो है वो कम्प्लीट हो सके। इसलिए चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत के पड़ोसी देशों से भारत के अच्छे रिलेशन बने, इसलिए जितने भी एंटी इंडिया सेंटीमेंटल्स हैं ये सारे इन्फ्लुएंस्ड हैं पाकिस्तान से और चाइना से। और ये सारे कैंपेन स्टार्ट हुए थे कुछ इवेंट के बाद, जैसे कि 1971 का वॉर, बॉर्डर के बीच में डिस्प्यूट्स और वाटर शेयरिंग इशू की वजह से ये सारे सेंटीमेंटल और स्टार्ट हुए थे और तब से जो सेंटीमेंटल है कंटिन्यू चल रहे हैं। और ये जो कैंपेन है ये बिल्कुल फेक न्यूज़, इमेज, वीडियोस उसकी बेसिस पे ये रन किए जा रहे हैं ताकि लोगों के अंदर इंडिया के प्रति हेट जनरेट हो सके। और इन सभी कैंपेन्स में मालदीव और बांग्लादेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, करप्शन क्रिएट हो रही है उसकी मेन वजह इंडिया को बताते हैं और ये कैंपेन लोगों के नेशनलिस्ट रिलीजन सेंटीमेंटल को हट करने की कोशिश करते हैं। और ये जितने भी इंडिया के पड़ोसी देशों में एंटी इंडिया का सेंटीमेंटल जो जनरेट हो रहा है वो अपोजिट पार्टी के थ्रू ही हो रहा है। और इन एक्टिविस्ट की जो डिमांड है वो चाहते हैं कि इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट हैं, मिलिट्री फोर्स है, वो सारी हटा दी जाए उनके देशों से। हालांकि उसके बाद भी उनकी हालत अच्छी नहीं होगी। जैसा कि वीडियो में मैंने पहले बताया है, इन सभी पार्टियों पे चाइना और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है। हालांकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी तक काफी अच्छे रिलेशनशिप हैं, क्योंकि वहाँ की जो PM है वो इंडिया के सपोर्ट में है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया से दुश्मनी हो। और अभी इंडिया ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पे इंडिया से कोई भी दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकता है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।